होगा सेनेट में, इट्स ऑन द एजेंडा ऑफ द सेनेट कमेटी, जिसकी चेयरपर्सन डॉक्टर राहिला मक्सी है. आई वॉज चेयरिंग इट बिकॉज शी इज नॉट इन द कंट्री. तो उन्होंने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया सेनेट के अराकीन को, और उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है. तो वी एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वी हैव टू मूव ऑन दैट कि भाई क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट दीजिए. सो अब रिपोर्ट आ जाएगी, विल गो थ्रू इट एंड इफ देयर इज समथिंग. ये रिपोर्ट चूंकि सिर्फ इंतजामी मसाइल में तो नहीं थी, यूनिवर्सिटी का एक बच्चा बिल्कुल हुआ था, बहुत सीरियस बात है. बच्चा तो बच्चा होता है, वो किसी भी बहुत सीरियस बात है. तो ये रिपोर्ट महज एचईसी के पास जानी चाहिए थी या ये बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए था सबके पास? देखिए वो है, हमारे यहाँ कुछ मसले मसाइल है. आपको याद होगा कोई भी किसी भी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो समहाउ किसी भी रिपोर्ट जो है उसमें हम एक्शन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना नहीं है. आपके सामने है ना जो ये अभी जो कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उसर्पिंग जिसमें ब्लैक पैसे जो है मुल्क के किए गए हैं, गबन किए गए हैं, और तो वॉट एक्शन इज बीन टेकन. तो वो एक रिपोर्ट है, एन एकेडमिक एक्सरसाइज. मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रही, आई एम श्योर इसका जनरल रवैये की बात कर रही हूँ. अच्छा, ये जो रिपोर्ट आपके पास, इसके कुछ स्कैन चीजें आई जैसे आप कह रही हैं स्कैन वर्जन आया, इस तरह हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर. अब पता नहीं वो उसमें सच्चाई क्या है, गलत किया है, जब आपके पास आगे पता चल जाएगा. लेकिन उसमें कुछ बहुत संगीन इल्जाम हैं. जी, मसलन कमेटी का मैंडेट था कि वो सबको तलब कर सकती है, लेकिन कमेटी ने तलब किया तो एक प्रोफेसर साहब नहीं आए. कमेटी ने कहा हम डायरेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, डायरेक्टर साहब कमेटी से नहीं मिले. तो ये चीजें अगर वाकई उसमें हैं और ये आपके सामने आती हैं तो ये महज पब्लिक के साथ शेयर होगी या हम तवक्को रखें कि आप मुल्क के सबसे बड़े मुअज्जज ऐवान के अंदर ये रिपोर्ट आ रही है तो पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, ताकि कोई करेक्टर से सीनियर ना हो, कोई किसी को ब्लेम ना करे और इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई भी हो जाएगी. हमारे एक स्टैंडिंग कमेटी में हमारे एक बहुत प्रोएक्टिव सेनेटर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और ये उन्होंने रेस किया था, बहरामन तांगी साहब, उन्होंने रेस किया था इशू. और उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए थी कि रिपोर्ट बनकर सर्कुलेट हो. व्हाट एक्शन इज बीन टेकन, व्हाट रेमेडियल, आपने क्या स्टेप्स लिए, हम वो जानना चाहते हैं. तो इट्स वेरी क्लियर कि कोई भी हमारे कौम का कोई भी हो इंसान, वो बिलोंग्स टू ऑल. बच्चा कोई एक बच्चे की बात नहीं है. अगर इस किस्म का माहौल प्रिवेल करता है कहीं भी, शुक्र है कि एक जमाना था ये बहुत कुछ हो रहा होता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज्यादा नहीं है. बट वी नीड टू पुट उम्मीद रहे कि आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, जब आपने कार्रवाई कर ही ली और एक चीज भुला ही ली तो उसमें कुछ और चीजें भी हैं. मिसाल के तौर पर मैं आपसे भी रहनुमाई लूंगा, सेनेटर साहब से भी लूंगा. एक स्कूल इस्लामाबाद में नहीं पूरे मुल्क में खुले हुए, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल. तो क्या यूनिवर्सिटी का ये मैंडेट होता है कि वो स्कूल खोल दे? मसलन कल को कराजम यूनिवर्सिटी स्कूल खुल जाए, परसों पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल्स खुल जाए, तो यूनिवर्सिटी का तो मैंडेट हायर एजुकेशन होता है. तो क्या ये जो आपने कार्रवाई शुरू कर ही दी है तो इसको भी देख लें, ये स्कूल कैसे बन गए, इसमें कितना घपला है, इसका ऑडिट होता है या नहीं होता, ये किसके हुक्म पे बने, इसके बीओटी ने इसको अप्रूव नहीं किया था सुना है, फिर भी ये कैसे बन गए? अब यूनिवर्सिटियां अगर स्कूल चलाना शुरू कर देंगी तो कल तो यूनिवर्सिटियां बस के अड्डे भी चलाना शुरू कर देंगी. देखिए यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर गवर्न बाय देयर ओन, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो उनका मैंडेट होता है, जो वो खुद बैठ के एक अप्रूवल होता है उनके पास, वो उसके हिसाब से काम करती हैं. और सेनेट का मैंडेट नहीं है कि वो इन चीजों में जाके और पूछे कि ये आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे. हाउएवर अगर किसी जगह से ये हमारे पास आती है चीज कि जी भाई इदारे किसी को तो क्या बिल्कुल देन अगर हमारे पास ये चीज आती है या एक हम खुद नोटिस लेते हैं तो देन वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट एंड टेक केयर ऑफ इट. हमारी जो कमेटी है उसका जो मैंडेट है वो हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ये है. लेकिन आपने कितनी अच्छी बात की कि हमारी कमेटी का मैंडेट हायर एजुकेशन, हम नीचे नहीं जाएंगे. इसी तरह यूनिवर्सिटी का भी वैसे मैंडेट हायर एजुकेशन ही होता है ना, वो स्कूल में हो सकती है. उसकी वजह जो है वो ये है, हमारा जो मैंडेट है उसकी वजह ये है कि 18th अमेंडमेंट है and 18th amendment say education has been totally under the purview of the provinces. ये वैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के निजाम में और कानूनी ढांचे में आती है या इसको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख रही है? देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी कनेक्टिंग बॉडी है, जिस तरह पूरी बहुत सी इस्लामिक ममालिक ने मिलकर OIC ने, जो OIC कहते हैं जिसको, तो वो बनाई थी उस वक्त उन्होंने और इट वॉज अ गुड मूव. लेकिन ये कि ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो इट इज इन पाकिस्तान, इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, सो ऑल पाकिस्तानी लॉज, रेलेवेंट लॉज आर एप्लीकेबल टू इट. ठीक है, निशान खान जरा सा आप भी हमारे बाला के रुक में जरा रहनुमाई कर दें कि यूनिवर्सिटियां क्या आप स्कूल चलाएंगी?
دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں, کیونکہ میں تو ایسے اس کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں اور مجھے ابھی انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں تو واقعی میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں, ایک انہوں نے بات اچھی کی ہے کہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے تو یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونسز جو ہیں تو وہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں اور باقی جو اسکول کی جتنی بھی ہیں ایجوکیشن وغیرہ سسٹم جو ہیں وہ سارا وہی دیکھتے ہیں. تو اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ کوئی سوچ قانون سازی جو ہے تو وہ اگر فیڈرل لیول پہ ہو ہی رہی ہے لیکن پروونسز کو بھی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے دور میں آپ دیکھیں جب پچھلی حکومت تھی ادھر نون ویسے بطور سینیٹر حکومتی سینیٹر اگر آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ ایک یونیورسٹی ہے, جی جی میں بھی ویسے اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ اگر وہ یونیورسٹی اسکول چلانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ چیک تو کروا سکتے ہیں. نہیں بالکل, یہ فرض تو آپ کا ہے نا, پورے ملک کے اندر ملینز میں آپ اس کی فرینچائز بیچ رہے ہیں تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اس کا کوئی آڈٹ ہے یا نہیں ہے, کون لے رہا ہے, کون کھا رہا ہے, کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے, یونیورسٹی سر اسکول کیسے چلا سکتی ہے, لک آفٹر تو کرنا ہے نا, پروب انٹو تو کرنا ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے یا جو بھی کوئی کام ہو رہا ہے ملک کے اوپر تو یہ ایک سیکنڈ چیک ہے ساری چیزوں کے اوپر, اسی لیے یہ کمیٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو اگر کوئی سینیٹر لے آئے یا ایسی کوئی درخواست دے دی کمیٹی میں تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے, اور جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے اور آگے ایکشن لیا جائے گا تو میرے خیال سے اس پہ ساری پارٹیز جو ہیں اس پہ ایسی جو کمیٹیز ہوتی ہیں تو اس میں بڑا امپارشل ویو ہوتا ہے ساروں کا, اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کسی پارٹی کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف یا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جی وہ. تو یہ میرے خیال سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں صرف اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اسکالرشپس سب سے زیادہ جو ہیں تو وہ پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہیں ہائر ایجوکیشن میں, اور جو کہ پہلے نہیں تھی. ویسے نارملی جو لوگ کچھ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے